Hello friends, myself Javed and you are watching our YouTube channel Last Night Study जिसमें हम लोग informative videos लेकर आते हैं. So आज का जो हमारा important topic है वो है Cold War. जी हाँ दोस्तों, international politics and international history में ये एक wide range topic माना जाता है. Okay, so आज Cold War के बारे में जानेंगे, right? So basically हम लोगों ने First World War, Second World War के बारे में पढ़ा होगा. It's a different war, Cold War, right? तो Cold War कहने का मतलब है कि after the Second World War. मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, World War II. After the Second World War, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, एक ऐसी सिचुएशन जो दुनिया को दो हिस्सों में, यानी दो अलग अलग ब्लॉक्स में बांटती है. एक है पहला ब्लॉक जो है वो कैपिटलिस्ट, जो कि USA, UK, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल है. ओके, दूसरी जो ब्लॉक है वो है कम्युनिस्ट ब्लॉक. राइट, ये कम्युनिस्ट ब्लॉक. और इस कम्युनिस्ट ब्लॉक में बेसिकली USSR यानी यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं रशिया, इसके साथ है चाइना, जापान. जापान नहीं कह सकते क्योंकि ये कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करता, बेसिकली कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करता. ओके, सो बेसिकली जितने भी बड़े बड़े सुपर पावर्स थे, यानी दो सुपर पावर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो USA एंड USSR, इनके बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया. जी हाँ दोस्तों, कहा जा सकता है कि एक मायान में दो तलवारें नहीं हो सकती. तो वही मामला हो रहा था यहाँ पर कि USA एंड USSR दो बड़ी ताकतवर मुल्कें थी, यानी दो बड़े ताकतवर कंट्रीज थी जिनके बीच में कंपटीशन था. कैसा कंपटीशन? यूरोप में, ना कि सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरे दुनिया में अपने एक ताकत का बैलेंस करना. ओके, सो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दो अलग अलग कंसेप्ट उभर कर सामने आते हैं, एक इन्फ्लुएंस करना और एक इन्फ्लुएंस को काउंटर करना. राइट, ओके, सो मैं यहां पर कुछ बेसिक चीजें आपको बता देना, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और एक होता थर्ड वर्ल्ड. ओके, तो पहली जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है उसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड में देखते हैं, कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो सेकेंड वर्ल्ड में अक्सर उसको देखते हैं, थर्ड वर्ल्ड जो बेसिकली कहा जा सकता है कि हमारा इंडिया या फिर बर्मा, उसके बाद बांग्लादेश और जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें शामिल हो जाती है. तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को लेकर जो है मामला स्टार्ट हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर अपनी इन्फ्लुएंस को डाल रही थी कि वो आइदर कम्युनिस्ट ब्लॉक में आ जाए या तो फिर कैपिटलिस्ट ब्लॉक में आ जाए. तो इस तरीके से ये मामला शुरू होता है और आखिरकार दोनों के कॉम्पिटिशन को लेकर एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है. कोल्ड वॉर कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक्चुअल वॉर नहीं है, नॉट एन एक्चुअल वॉर. जी हाँ दोस्तों, बस इसमें वॉरलाइक सिचुएशंस होते हैं, वॉरलाइक सिचुएशंस होते हैं और बातचीत की जाती है और ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि हाँ वाकई में अब जंग हो सकती है, वॉर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. यानी क्या मामला देख रहे हैं कि 1947 के बाद से कोल्ड वॉर एक्चुअली स्टार्ट होता है, 1942 वर्ल्ड वॉर, यानी 1947 के बाद से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है जिसमें कभी USA कभी USSR पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी अपने ताकत को प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, शो करने की कोशिश करते हैं. ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टर्म है कोल्ड वॉर, इसको सबसे पहले यूज किसने किया? जी हाँ दोस्तों, इट वॉज बर्नार्ड बारोच. ओके, सो बर्नार्ड बारोच वो पर्सनालिटी है जिन्होंने फर्स्ट टर्म, इस टर्म को क्वाइन किया, यानी ये वो पर्सनालिटी है जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया, कंसेप्ट दिया. और फिर बाद में एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहा जा सकता है कि वॉल्टर लिपमन. अब ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है जिन्होंने कंसेप्ट, जिन्होंने
फर्स्ट फर्स्ट टाइम कोल्ड वॉर वाला ये वर्ड यूज किया वॉल्टर लिपमन, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है. ओके, 1947 में बर्नार्ड बॉरिच वाला मामला है, एंड देन वॉल्टर लिपमन जो कि यूएसए में एक जर्नलिस्ट की हैसियत रखते हैं. ओके, सो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हिस्टोरियंस के रिमार्क में किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है. कोल्ड वॉर जी हाँ दोस्तों के एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का नाम है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. अभी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कब से स्टार्ट होती है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है और ये हमारा टॉपिक भी नहीं है, दैट अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी. लेकिन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि एक कम्युनिज्म है और दूसरा कैपिटलिज्म है, तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपोज कर रहे हैं. तो टू अपोजिंग आइडियोलॉजिकल यू नो व्यू पॉइंट उभर कर सामने आ रहे हैं जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो यही सिचुएशन कोल्ड वॉर को भी जन्म दे रहा. अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है. ऑन द अदर हैंड सम अदर हिस्टोरियंस आर देयर हु डिड नॉट सब्सक्राइब दैट व्यू. अकॉर्डिंग टू देम ये मामला कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंपटीशन और वर्ल्ड मार्केट कंपटीशन की तरफ जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड मार्केट कंपटीशन. ओके, सो ये दो अलग अलग मामला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर वर्ल्ड मार्केट कंपटीशन को लेकर कहीं ना कहीं यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में और दो अलग अलग जो ब्लॉक्स जो मैंने बताया आपको कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इनके बीच में ये मामला ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है और इकोनॉमिक और वर्ल्ड मार्केट कंपटीशन स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है. ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके काउजेस कौन कौन से हो सकते हैं. तो काउजेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग बहस कर सकते हैं या फिर कहा जा सकता है कि मेन स्ट्रीम इवेंट्स जो हुए हैं मेन स्ट्रीम इवेंट्स के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि कोल्ड वॉर कैसे स्प्रेड हो रहा है. तो सबसे पहले सोवियत एक्सपेंशनिज्म के बारे में बात करेंगे. सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोपियन कंट्रीज, ओके शॉर्टकट में लिख रहा हूं आप समझ जाना, यूरोपियन कंट्रीज एंड बल्कान रीजन्स. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग कि सोवियटाइजेशन या रशियनाइजेशन के अगर बारे में बात करेंगे तो ये पूरे दुनिया में फैल रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा काउज है और कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था अब चूंकि वो यूरोपियन कंट्रीज में भी अपना कब्जा जमा चुकी है तो ये एक चैलेंज बन गया था यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूरोपियन सुपर पावर्स के लिए. तो कहीं ना कहीं वो उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए काउंटर बैलेंस करने लगे. ओके, वो काउंटर बैलेंस या फिर वो काउंटर मेथड जो है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं. दूसरा देख सकते हैं हम लोग के ईरान, तुर्की, ये सोवियत एक्सपेंशनिज्म ही बता रहा हूं बहरहाल आपको, ग्रीस, यहां पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था. इसके काउंटर रिस्पांस में सोवियत के काउंटर रिस्पांस में अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ट्रूमन डॉक्ट्राइन, जी हाँ दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमन, उन्होंने एक फिलॉसफी दी और ट्रूमन डॉक्ट्राइन को उन्होंने 12 मार्च 1947 को सामने रखा और जिसके हिसाब से तुर्की और ग्रीस को, यानी तुर्की एंड ग्रीस को फ्री करना था फ्रॉम सोवियत एक्सपेंशनिज्म. क्यों? क्योंकि यहां पर तेल का खजाना है, ऑयल रिसोर्सेस, तो जिसकी वजह से यूएसए को लग रहा था कि उसके वर्ल्ड मार्केट में ये कंपटीशन दे रहा है और यहाँ चूंकि कब्जा जमा चुका है तो यानी जो है वर्ल्ड मार्केट पर और वर्ल्ड रिसोर्सेस पर अपना कब्जा जमा रहा, तो ये अमेरिका के लिए एक चैलेंज था. तो ट्रूमन डॉक्ट्राइन हुआ, ट्रूमन डॉक्ट्राइन में उन्होंने इस टाइप की बातें की. उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों मार्शल प्लान. अब ये मार्शल प्लान है बेसिकली 5th जून 1947
और इस मार्शल प्लान के हिसाब से कहीं ना कहीं फिनेंशियल एंड मिलिट्री असिस्टेंस देना था, लोगों को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करना था कहीं ना कहीं, ये कहकर के हाँ अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो हम आपका साथ देंगे मिलिटरीली एंड फिनेंशियली। तो ये एक अहम पॉइंट है मार्शल प्लान। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्त सोवियत रिएक्शन। ओके, अभी सोवियत रिएक्शन देखेंगे कि मार्शल प्लान और ट्रूमन डॉक्ट्राइन के बाद ये सोवियत का भी कुछ रिएक्शन उभर कर सामने आता है, राइट? तो वो रिएक्शन होता है सबसे पहले कॉमिनफॉर्म। कॉमिनफॉर्म बोलने का मतलब है कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर कम्युनिस्ट ने अपना कब्जा जमा लिया था वहां पर उन्होंने एक ब्यूरो खोला ताकि वो वहां की गवर्नमेंट पर अपना नजर रख सके और वहां की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। ओके, दूसरा कहा जा सकता है कि अलायंस अंडर द, कहा जा सकता है कि कॉमिकॉन। जी हाँ दोस्तों, ये है एक इकोनॉमिक एंड म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए उन्होंने भी एक काउंसिल बनाई और इस हिसाब से उन्होंने भी यही जताया कि आपको अगर मिलिट्री इकोनॉमिक किसी भी टाइप का असिस्टेंस हो तो वो आपके हक में फेवर में लिया जाएगा और हर तरीके से सोवियत जो है उसकी मदद करेंगे, यानी यूएसएसआर उसकी मदद करेंगे। ओके, अब और यूएस का अलायंस सिस्टम देखते हैं हम लोग। अब यूएस अलायंस सिस्टम बना रहा है 1949 में नाटो के नाम से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में हुआ। और यूएसए अनाउंस करती है कि अगर जितने भी नाटो में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं अगर यूरोप में किसी को भी किसी के ऊपर भी हमला किया जाएगा, किसी भी कंट्री के लिए कुछ गलत सोचा जाएगा, तो जाहिर है कि वो पूरे नाटो कंट्रीज़ के ऊपर यानी नाटो मेंबर्स के ऊपर ये बात हावी हो रही है कहीं ना कहीं। तो मिलकर ये लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे यानी मिलिटरीली और हर तरीके से जो है मदद करेंगे वगैरह वगैरह, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो फाइनली हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल क्राइसिस होता है। अब इस इंटरनेशनल क्राइसिस कहने का मतलब है कि डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो हम लोग ले ले इंडो पाक वॉर जो कश्मीर इशू की वजह से होता है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, वर्ल्ड वाइड ये अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्विस कैनल क्राइसिस होता है। ओके, उसके बाद वियतनाम वॉर होता है, कोरियन वॉर होता है। तो ये जितने भी वॉर होते हैं, ये जितने भी कन्फ्लिक्ट होती है, दोनों का यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों को इन्फ्लुएंस करती है, कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट करती है अपने मींस को पूरा करने के लिए। तो ये कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस फ्रांसिस फुकुयामा, कोल्ड वॉर केम टू एन एंड, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन द ईयर 1991। लेकिन ये हार्डली इमेजिन करना होगा कि कोल्ड वॉर एग्जैक्टली कब एंड हुआ, क्योंकि कोल्ड वॉर जो दीतेंद्र वाला प्रोसेस भी इसमें चला 1960s के बाद से, वहां पर टेंशन को कम करने के बारे में सोचा गया था, लेकिन 1990 के बाद जो है कोल्ड वॉर खत्म होता है आखिरकार। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।